आज मैं बना रही हूँ इस वेस्ट चूड़ी से बहुत अच्छा एक वॉल हैंगिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए कोई भी पुरानी चूड़ी और चाहिए जूट की रस्सी। आप कोई और रस्सी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में, मैं हूँ उत्तराखंड। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत जल्दी बनने वाला एक DIY, जिसे मैं अपने पॉट हैंग करूँगी। तो देखिए, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चूड़ी और जूट की रस्सी है। इस तरह से एक सिरा मैंने पकड़ लिया है, दूसरे सिरे को अंदर की तरफ लेके इस जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो देखिए इसी तरह से घुमाइए। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, इससे बहुत अच्छी एक फिनिशिंग आती है। इस तरह से ज़रूरी नहीं है आपको चूड़ी ही चाहिए, आपको कोई भी सर्कल बड़ा छोटा अपने पॉट के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए, इस तरह से सिंपल से अंदर की तरफ से बाहर को तागा खींचना है। ले ली है जूट की रस्सी, तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ रही है। बस अंदर की तरफ से धागा लेके इस तरह से बाहर को निकाल लेना है। बहुत इजी है इस तरह। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, आप सिंपल से चूड़ी पे फेविकॉल लगा के इस जूट रस्सी को लपेट भी सकते हैं। पर जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ आपको, इससे बहुत अच्छी से फिनिशिंग आती है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं डिजाइन कितना अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से कीजिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से ही पूरी सब चूड़ियाँ बनानी हैं। तो देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ मुझे किस चीज़ के लिए ये चाहिए। ये नारियल है सूखा हुआ, तो इसमें मैंने काफ़ी समय पहले जेट की कटिंग लगा दी थी। अब मैं इन्हें हैंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इन्हीं के लिए मुझे ये सर्कल चाहिए थे ताकि मैं आसानी से इन्हें हैंग कर पाऊँ। ये मैंने नारियल को पेंट कर दिया था। अगर मैं पेंट नहीं करती, मुझे अभी लग रहा है उससे ये और अच्छा लुक आता। तो देखिए, इससे कलरफुल तो दिखाई दे रहे हैं पर नेचुरल लुक काफ़ी अच्छा आता। अब तो मैंने पेंट कर दिया है और इनमें लगा दी है काफ़ी सारी जेट की कटिंग। ये काफ़ी पुराना है, ये खराबी हुआ। इस तरह से मैंने 3 नारियल तैयार कर लिए हैं। ये नारियल हमारे जो हम नवरात्रि के समय मंदिर में रखते हैं वही वाले नारियल हैं। और ये नारियल है जिससे हम नारियल पानी पीते हैं, उसे सुखा लिया था। अंदर मैंने मिट्टी फिल कर ली है, जब ये गीला था तभी, क्योंकि ये फिर सिकुड़ जाता है, और इसमें पेंट करके रख दिया है। इस तरह का रिंग एक इसके लिए भी चाहिए, पर ये इसके लिए नहीं बना रही हूँ मैं। इसके लिए मुझे कोई बड़ा रिंग चाहिए। नारियल 3 हैंगिंग मैंने बनाने हैं इस नारियल के लिए, और 3 बनाने हैं जो कच्चा नारियल होता है उसके लिए। तो बहुत अच्छे लगेंगे अगर इनमें प्लांट उग जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से चूड़ी बना ली है, पूरी बन गई है। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम इसे हैंग करेंगे। तो उसके लिए हमको 6 रस्सियाँ चाहिए छोटे छोटे। एक रिंग में बराबर दूरी में दो दो रस्सियाँ 3 जगह बांधनी है, यानी बराबर दूरी में इस तरह से एक के अंदर फंसा के मैं ये निकाल दे रही हूँ। 2 रस्सियाँ ये, 2 ये, और 3 जगह इस तरह से बनाना है बराबर दूरी में, ताकि प्लांटर हमारा स्ट्रेट रहे। तो देखिए, इस तरह से लगा दी हैं। उसके ऊपर हमने नारियल रखना है, और इस तरह नहीं रखना है, कभी गिरने का खतरा रहता है। तो मैं बताती हूँ किस तरह से बांधना है। 2 रस्सियों में से दोनों तरफ से एक एक लेनी है, तो इस तरह से कुछ बंध जाएगी। उसके बाद एक इधर से लेंगे, एक दूसरी तरफ से, तो फिर हमने इसी तरह से गांठ लगाना है। 2-2 रस्सियाँ बांधी थी, एक इधर से लेनी, एक दूसरी तरफ से। जगह बंधी हैं 6 रस्सियाँ हैं, 6 में से एक इधर की लेनी, एक दूसरी तरफ की। इस तरह से उनमें गांठ लगा लेनी है। तो इस तरह का कुछ हैंगिंग प्लांटर हमारा बन गया है। बहुत पक्के रहते हैं ये प्लांटर। आप चाहें तो इसमें प्लास्टिक की रस्सी यूज कर सकते हैं। और ये चूड़ी मेटल की है, ये कभी टूटने वाली भी नहीं है। इस तरह से मैंने लगाई है मेटल की चूड़ी यहाँ पे। कांच की तो कभी ख़राब भी हो जाती है। तो ऊपर से मैं कुछ इस तरह से बांध दे रही हूँ सभी डोरियों को। इस तरह से बांध के मैंने ऊपर से हैंग करने वाला बना दिया है। एक्स्ट्रा तागा जो था उसे मैंने कट कर दिया है। इसी तरह से सभी को हमने बना लेना है। तो एक प्लांटर हम, तो देखिए एक हैंगिंग, तो एक प्लांटर के लिए हमारा रेडी हो गया है ये। अब मैं बना रही हूँ दूसरा भी इसी तरह से बनाना है।
तो बस बना के आपको दिखाती हूँ। सभी को इसी तरह से बांध लेना है, एक इधर का धागा एक इधर का धागा, तो बीच में नॉट लगा लीजिए। इस तरह से हमारा पॉट गिरेगा भी नहीं, कितनी भी हवा चल जाए। तो देखिए बन गए हैं हमारे ये प्लांटर, और सारा ही फ्री का है, बस मेरी 10-20 रुपए की ये रस्सी लगी है। तो अब देखिए मुझे बड़े वाले जो हमारे नारियल थे उनके लिए बड़ा रिंग चाहिए है। इस नारियल के लिए चूड़ी इतनी बड़ी नहीं होती है, इसीलिए मैंने प्लास्टिक के मेरे पास बड़े ढक्कन थे उन्हें इस तरह से कट कर लिया है। एक सर्कल जैसा हमें मिल गया है प्लास्टिक के ढक्कन से। तो जितने भी बड़े आपको चाहिए उतने बड़े सर्कल ले लीजिए कहीं से कोई भी। और इसमें देखिए इस तरह से हमने इसे रखना है, और इसे भी मैं जूट की रस्सी से लपेट दूंगी। तो इसी तरह से मैंने और रिंग बनानी है तीन। तो यहाँ पर मैंने एक के ले लिया है, ये मोटी रस्सी है जूट की, क्योंकि ये हमने छुपाना है पूरा सर्कल जो है, गंदा सा सर्कल है इसे छुपाना है इस जूट रोप से। काफ़ी खूबसूरत लगती है जूट की रस्सी, अगर है तो इससे लपेट लीजिए, अगर आपके पास वेस्ट ऊन पड़ी है उससे लपेट लीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। देखिए मैं पूरा लपेट के आपको दिखाती हूँ, बस टाइट से लपेट लेना है, लास्ट वाले सिरों को आपस में बांध देना है, जिससे ये निकलेगा भी नहीं और पक्का भी रहेगा। तो जल्दी जल्दी मैं लपेट के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है जूट की रस्सी से लपेटा हुआ। इसी तरह से मैं तीन सर्कल बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सभी। देखिए इस तरह से नारियल रखेंगे और हैंगिंग पहले की तरह ही हैंग करना है। बस सर्कल दूसरा लिया है, यहाँ पर मैं ऊन से कर रही हूँ, मेरे पास अब जूट की रस्सी हो गई है ख़त्म, तो मेरे पास ये ऊन बचा था मोटा सा, तो इससे मैं इसे लपेट दे रही हूँ। ये भी अच्छा है आइडिया, वेस्ट ऊन भी हमारी यूज हो जाती है। देखिए ये भी एक सर्कल रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हमने तीन सर्कल इनके लिए मैं बना रही हूँ। और ये नारियल इतने पक्के लग रहे हैं, कब से मैंने सुखा लिया था इनको और पेंट कर दिया था। आप चाहें इनमें कोई पेंट से डिजाइन भी बना सकते हैं, तो इन्हें फंसा लेना है इसके अंदर ताकि ये गिरे नहीं, इसीलिए बड़ा रिंग चाहिए था। तो अब मैं इनमें लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से प्लांट। ये मैंने जेट की कटिंग ले ली है, एक में मैं लगाऊंगी स्पाइडर प्लांट। और इन पॉटों के लिए आपको ऐसे प्लांट चूज करने हैं जिनमें रूट बहुत कम होती है, और जैसे जेट में भी रूट कम होती है, छोटे से छोटे पॉट में भी जेट अच्छे से चलता है, इसीलिए मैं जेट की कटिंग यहाँ पर ज़्यादा ली है। चूँकि हैं मेरे प्लांट यहाँ पर, अगर ये प्लांट भर जाएंगे तो ये प्लांटर काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। यहाँ अगर आपके पास इस तरह के ब्रैकेट नहीं लगे हैं, आप कोई सूखी हुई डंडी भी ले सकते हैं, जैसे बैम्बू की स्टिक ले सकते हैं, उसमें इन सभी को एक साथ डाल दीजिए तो बहुत अच्छे लगेंगे इस तरह से भी। तो देखिए ये बन गए हैं ब्यूटीफुल से फ्री के प्लांटर, हमारे प्लांटर भी बन गए हैं और प्लांट के लिए हमारे हैंगिंग भी बन गए हैं। तो ये वॉल काफ़ी सुंदर दिखेगी जब ये प्लांट भर जाएंगे इन पॉट्स में, तो प्लांट नीचे को हैंग करेंगे, बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। तो मुझे तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, आप बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे कभी टाइम मिला तो मैं जो ये बड़े वाले नारियल हैं इनमें कुछ पेंटिंग भी बनाऊंगी। और कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये फ्री के हैंगिंग प्लांटर आपको कैसे लगे ये भी कॉमेंट में बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।